बाहुबली प्रभास, प्रभास की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के बाद से उनकी जितनी भी फिल्म आई हैं वो सारी ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई हैं। कोई क्रेज ही नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभास भाई का एक जो स्टारडम है उसका ही इस्तेमाल है। अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चार बड़ी फिल्मों से वो वापसी करेंगे। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाहुबली प्रभास की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रभास भाई की चार बड़ी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं और ये फिल्में उन्हें फिर से बॉक्स ऑफिस का बाहुबली बना देगी। हालांकि फिल्में जो हैं उनकी, स्पेशली साहो ले लीजिए या राधे श्याम ले लीजिए, बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी और पता नहीं क्यों ये बॉक्स ऑफिस पर वो जादू वो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाई। स्पेक्टेटर्स ने यही बोला कि भाई प्रभास भाई की सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, इनकी इनकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं, प्रोड्यूसर्स ने इनकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया है। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो प्रभास भाई जिन्हें बाहुबली के नाम से हम जानते हैं कि चार बड़ी फिल्में आ रही हैं और इन चार बड़ी फिल्मों को लेकर कह सकते हैं कि वो वापसी करेंगे। सबसे पहली है मिस्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष। बता दूं आपको दोस्तों, तो आदि पुरुष में वो हमारे राम, जी हाँ, जो रामायण के राम हैं उनका ही किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो आदि पुरुष उनकी ही फिल्म है दोस्तों। दूसरी जो उनकी बड़ी फिल्म आ रही है वो है सलार। सलार वो फिल्म है जो कि केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर, केजीएफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत नील जो हैं वो बना रहे हैं। और प्रशांत नील लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग केजीएफ को इसके साथ जॉइंट करेंगे। अब क्या जॉइंट होगा, कैसा होगा, हमें नहीं पता, लेट्स सी। तीसरी बड़ी फिल्म है प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट के वो बड़ी फिल्म है दोस्तों जो कि आपको बता दूँ तो हिंदी में भी वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया पैन इंटरनेशनल स्टार वो बन जाएंगे। और चौथी जो आखिरी फिल्म है वो है स्पिरिट, एक हाई बजट फिल्म। अब देखते हैं कि प्रभास भाई का जादू कितना बरकरार रहता है और बॉक्स ऑफिस पर वो कैसे वापसी करते हैं। आपको क्या है कहना, जरूर बताइएगा। बाय।